मैम निशित वनोजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेक्चर नंबर 13, क्लास 10 एंड टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ इक्वेशन। आज हम स्टूडेंट्स करेंगे इक्वेशन की टाइप्स के बारे में, उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन है दैट इज़ रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी होती हैं? इन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट रिमेन अनचेंज वेन एक्स रिप्लेस बाई वन आवर एक्स। ऐसी इक्वेशन जिनमें अगर हम एक्स को रिप्लेस कर दें वन बाई एक्स से और आपकी इक्वेशन जो है वो चेंज ना हो, वैसी रहे, तो उन इक्वेशन को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये जो आपकी इक्वेशन है, इसमें जब हम रिप्लेस करेंगे एक्स को बाई वन आवर एक्स से, तो ये आपकी इक्वेशन चेंज नहीं होगी। तो इस इक्वेशन को, या फिर इसकी दूसरी फॉर्म है ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, इधर भी जब आप रिप्लेस करोगे वह एक्स को बाय वन ओवर एक्स, तो आपकी इक्वेशन अनचेंज रहेगी। ऐसी इक्वेशंस कौन सी होती हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। एंड अदर टाइप ऑफ इक्वेशन इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, ऐसी इक्वेशन दोज इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड वेरिएबल इक्वेशन, सॉरी एक्सपोनेंट इक्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी इक्वेशन है, इसमें जब वेरिएबल आपका एक्सपोनेंट में अपीयर हो, ठीक है, अकर करे, तो उन इक्वेशंस को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्र माइनस टू एक्स के एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इसमें जब आपकी पावर फोर है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है, तो इसको पूरी टर्म को, पूरी इक्वेशन की ईच टर्म को डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर से, पूरी हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, यहाँ से पावर टू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या रह जाएगी? टू पावर, यहाँ से पावर थ्री या टू कैंसिल आउट हो जाएगी, या फिर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके कर सकते हैं, पावर वन रह जाएगी, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू ओवर एक्स रह जाएगा, प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, और ज़ीरो डिवाइड बाय समथिंग इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली जो है टर्म अलग करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर है, और एक्स वाली टर्म अलग करें तो माइनस टू एक्स प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू, यहाँ से माइनस टू कॉमन लें तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब आपने इस इक्वेशन में पुटिंग करनी है, सब्सटीट्यूशन करनी है, सब्सटीट्यूट करना है एक्स माइनस वन ओवर एक्स को वाई के इक्वल, ठीक है। स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पे तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी, एक्स और वन ओवर एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस टू बचेगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब माइनस टू है इस साइड पे आ जाएगा प्लस टू, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह सब्सिट्यूट करनी है उसकी वैल्यू, इसलिए आप जो है यहाँ पे माइनस टू था तो राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इक्वेशन नंबर वन में एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पुट किया वाई स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स की जगह वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, प्लस टू माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से वाई कॉमन लो तो वाई इंटू वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। आइधर वाई इक्वल टू ज़ीरो और वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, वाई ज़ीरो के इक्वल पुट किया और यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी टू। अब आगे स्टूडेंट आपने सब्सिट्यूट करना है, क्योंकि आपकी इक्वेशन जो थी वो वेरिएबल एक्स में थी, आंसर भी वेरिएबल एक्स में आना चाहिए। वाई सब्सिट्यूट किया था आपने एक्स माइनस वन ओवर एक्स, तो यहाँ पे वाई की जगह पुट करेंगे एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स और ये ऊपर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दें एक्स से, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और समथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, माइनस वन है इस साइड पर जाके प्लस वन हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की प्लस माइनस वन, और इस साइड पर एक्स माइनस वन ओवर एक्स सब्सिट्यूट करेंगे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे भी आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को तो टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पे ए जो है वो आपका क्या है वन, इसका कोफिशिएंट वन है, बी जो है वो क्या है माइनस टू, और सी क्या है माइनस वन। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें तो बी की जगह माइनस टू प्लस माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी, टू का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस माइनस प्लस फोर ओवर टू, ये टू प्लस माइनस अंडर रूट एट डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा।
अब 8 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8 आता है, तो यहाँ पे आपने अंडर रूट सेपरेट कर लिया, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, 2 कॉमन लें तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये 2 और ये 2 कैंसल हो जाएंगे, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो टाइप पढ़ी थी वो है रेडिकल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दोज इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में वेरिएबल एक्सपोनेंट में, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल देखें बेटा, जब आपने पहले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे इस एक्सरसाइज के, आपकी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। बाय क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाइएस्ट पावर क्या हो, 4। ठीक है, पहले आपने बाय क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट किया था पावर 2 में, ठीक है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक, और ये क्या होता है बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक में करके आपने आगे सॉल्व किया था, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के मेथड आप फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे, दैट इज़ बाय फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्केल। तो आप बाय क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट करते थे क्वाड्रेटिक में, देन आप उसको सूटेबल जो मेथड था वो लगा के सॉल्व करते थे। फिर आपकी इक्वेशन थी इक्वेशन जिसमें वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपने फिर सॉल्व की थी। आज हम जो कर रहे हैं वो आपकी पहले जो आपने सीखा वो क्या थी, आपने अपनी रेसिप्रोकल इक्वेशन को चेंज किया क्वाड्रेटिक में, फिर उसको सॉल्व किया। ठीक है, फिर आप अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक में और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। रेसिप्रोकल इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें रिप्लेस कर दिया जाए एक्स को बाय 1/x से, तो इक्वेशन चेंज नहीं होती। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में अकर करे। ठीक है, वेरिएबल एक्सपोनेंट में आप आपको पता है कि अगर ए पावर हो ए प्लस बी या एन पावर कुछ भी पावर, ठीक है, ए प्लस बी है, तो आप इसको ब्रेकआउट करके लिख सकते हैं ए पावर ए, ए पावर बी। ठीक है, अब यहाँ पे 4 डॉट ये पावर है 2x+1, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x और 2 पावर 1 -9x+1। अब 4 2 पावर 1 2 ही होता है, 4 2 क्या हो जाएगा 8। अब 2 पावर x को आपने पुट कर दिया वाई के इक्वल, छोटी पावर को हमेशा लेट करते हैं, तो बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, 4 2 क्या हो जाता है 8, वाई 2 पावर 2x किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर -9 2 पावर x इक्वल वाई +1 इक्वल टू 0, 8 वाई स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई, फैक्टराइजेशन होगी। क्वाड्रेटिक कौन सी इक्वेशन बेटा जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, 2 हो, तो 8 1 8, 8 के ये फैक्टर निकाल दिए, इसके साथ क्या है प्लस, तो प्लस करने से क्या आना चाहिए 9, 8 + 1 इक्वल टू 9, ये फैक्टर आप चूज़ करोगे, माइनस बाय दी 8y+1y इक्वल टू +1 इक्वल टू 0, 8y² -8y -y+1 इक्वल टू 0। एट वाई कॉमन लिया y-1, यहाँ से -1 कॉमन लिया y-1, 8y-1 और y-1 आपने कॉमन ले लिया, आइदर 8y-1 इक्वल टू 0 और y-1 इक्वल टू 0, 8y इज इक्वल टू 1, 8 को डिवाइड करेंगे y की वैल्यू हो जाएगी 1/8। इसी तरह y 2x पुट किया था तो 2x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखें, पहले ये समझा दो, आपने या तो बेस सेम करनी होती है या पावर, यहाँ पे पावर तो सेम नहीं हो सकती क्योंकि पावर में x है, तो बेसिस सेम करनी है। आपको पता है कि समथिंग पावर 0 इक्वल टू किसके होता है 1 के, तो आप यहाँ पे समथिंग यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, क्योंकि बेसिस आपने सेम करनी है, तो आप बेस में एक जो होता है यहाँ पे 2 पुट कर सकते हो, समथिंग एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो पावर सेम बेसिस सेम है तो पावर भी क्या होंगी इक्वल होंगी, तो x इक्वल टू 0 कंपेयरिंग करेंगे पावर को, इस साइड पे आ जाएं y इज इक्वल टू 2x है। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 1/8, 8 अब बेसिस सेम करनी है तो 8 का एलसीएम लें, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये +1 है +3 है तो -3 हो जाएगा कंपेयरिंग पावर, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अब आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो 9th क्लास में सॉल्व उनकी फैक्टराइजेशन करके आ चुके हैं। आपने क्या करना होता है, आपने देखना है कांस्टेंट +1 +3 -5 -7, इसकी इनकी पेयरिंग करनी होती है फैक्टर्स की। अब देखें आपने इनमें से ऐसे पेयर चूज़ करने हैं जिन दो को प्लस करने से सेम आए या माइनस करने से,
थ्री प्लस वन फोर होता है, फाइव माइनस सेवन आई थिंक सो माइनस ट्वेल्व होगा, इक्वल नहीं है। अब अगले देख लें, फाइव माइनस थ्री क्या होता है, माइनस टू, और सेवन माइनस वन माइनस सिक्स आता है, ये भी नहीं है सही। अब सेवन माइनस थ्री क्या होता है, माइनस फोर, और फाइव माइनस वन माइनस फोर, पेयरिंग बनेगी एक्स प्लस वन और माइनस फाइव और प्लस थ्री और माइनस सेवन की। सिंपली आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। पहली दो टर्म जो होंगी वो सेम आएंगी, उसको इक्वल करना है, लेट करना है वाई के। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, इस पूरे की जगह आपने पुट कर दिया वाई माइनस फाइव और वाई माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू 192। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, ये आपकी क्वाड्रेटिक आ जाएगी। फिर क्वाड्रेटिक की आपने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। 87 था, 87 की फैक्टराइजेशन की, यहाँ तक आपने वाई की वैल्यूज़ निकाल देनी है, वाई इज इक्वल टू 29 और वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। फिर आपने अगेन लेट जो पुट करना है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, और इधर भी करना माइनस फोर एक्स इज प्लस 29 है, इधर आके माइनस 29 हो जाएगा। अब देखें ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन, बी इज इक्वल टू माइनस फोर और सी इज इक्वल टू माइनस 29। आपने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके आपने अपना आंसर ले आना है। इसी तरह सेम सिमिलरली यहाँ पे आप जब पुट करोगे तो फैक्टराइजेशन, सिंपल फैक्टराइजेशन से आपका आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये आगे देखें, इसका ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शो के ये आपको खुद समझ आ जाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक को आपने पूरी एक्सरसाइज करके सॉल्व किया है। बाकी भी आप जो है वो क्वेश्चन करते रहें क्वाड्रेटिक के, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज़।